पिछले 20 साल से जो नॉन हिस्ट्री है रिकॉर्डेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मीडिया की, अखबारों की, न्यूज़पेपर्स की, वो एक से दो लाख गाय हर महीने भारत से बांग्लादेश बॉर्डर को क्रॉस करके बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर है काउ के बीफ का। इसमें कोई 10,000 गाय पर मंथ बीएसएफ पकड़ता था और वो रिसर्कुलेट होती थी क्योंकि उसको लेने वाला कोई नहीं था। गवर्नमेंट का कानून था कि बीएसएफ को गाय पकड़नी है और बीएसएफ को अब वो हैंड ओवर करनी है, तो उसकी व्यवस्था नहीं थी। पिछले साल बीएसएफ ने ध्यान फाउंडेशन को अप्रोच किया और ये जानते हुए कि ये पीड़ा में है, योगी जी ने हमें आदेश दिया कि हम इसको बचा सकते हैं, इसलिए बंगाल में जाकर गौशालाएं बनाई और पिछले 6 महीने में कोई 15,000 से 20,000 गाऊ वंश, जिसमें मोस्टली नॉन मिल्किंग है और मोस्टली मेल है, उनको लिया, उनकी सेवा के लिए आश्रय स्थल बनाए और आज 95-99% ये तस्करी कलकत्ता और बांग्लादेश बॉर्डर पर रुक गई बंगाल। अभी वो नई गौशालाएं बना रहे हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा में, वहाँ ऑलरेडी हमारे पास 2,500 गौवंश है क्योंकि वो तस्करी वहाँ से हो रही है। तो ये जो सर्किट है ये ब्रेक होने से जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं, छोटे छोटे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इससे वो साइकिल ब्रेक होता है। क्योंकि सरकार को लॉ इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि ये ठीक है और तस्करी इसलिए हो रही है कि सरकार जो है आंख बंद करके इसको टॉलरेट करती है और वो एक जगह सिर्फ इस तस्करी में नहीं है। सरकार को कानून तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि जो ठीक है उस पर कानून बनता है और क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, साधन नहीं है। बीएसएफ वाले कहते हैं हम तो बंदूक रखते हैं, हमें गाय की सेवा तो सिखाई नहीं और गौशाला बना के नहीं दी, तो पकड़ के कहाँ लेकर जाएं? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमारा काम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमारा लॉ नहीं है, ये तो आप मीडिया में रोज देखते हैं। गौ माता का कोई खर्चा नहीं है क्योंकि गौ माता को जो आप खर्च करेंगे किसी के रूप में आपको वापस मिलेगा, क्योंकि भारत के इतिहास में जिसने गौ की सेवा की, जिसने गौ की रक्षा की, उसको हानि नहीं हुई 3 पीढ़ियों तक। लेकिन जो टेम्पररी खर्चा गौ माता का है वो सिर्फ चारे का है, उसको जगह चाहिए चरने के लिए, फिर चारा भी नहीं मांगती है। यदि गौशाला बनाते हैं क्योंकि जगह नहीं है इसलिए चारा देना पड़ता है, तो उसके अलावा कोई चारा खिलाने वाला चाहिए, तो जगह को साफ करने वाला चाहिए, तो गौ माता का खर्चा 20 से 30 रुपये तो चारे का है एक दिन का और 5 से 10 रुपये लेबर का है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। उसके बाद उसको शेड चाहिए ताकि बारिश में, सर्दी में, गर्मी में वो अपने आप को रक्षा कर सके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गौ माता का जो खर्चा है वो तो मिनिमल है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 1% आज गौ माता को मिल जाए, गौ माता को किसी की जरूरत नहीं है और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी 5 से 10% बढ़ जाएगी, इसका प्रमाण नहीं है कि नहीं होगा। ये तो हमारी समझ की कमी है कि हमें गौ माता में माता नजर नहीं आती, बोलने में आदत पड़ी हुई है। हम माता को तो सड़क पे नहीं छोड़ेंगे, माता को तो तस्करी नहीं होने देंगे, माता का तो मीट नहीं खाएंगे। तो माता बोलते हैं पर माता मानते नहीं हैं, मानते हैं तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो भूल जाते हैं, सड़क पर जारी है, गाड़ी चलती रहती है। और ध्यान फाउंडेशन का काम है सत्य को जागृत करना, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप देना, ये सिद्ध करना कि आज सत्य से जीवन जी सकते हैं। हमें तो लगता ही नहीं है सत्य से जीवन जी सकते हैं, हमारे सारे प्रश्नों में हैं वो ये कह रहा है, डॉक्टर शाह ये कह रही है, गवर्नमेंट का ये कानून है, सत्य तो कहीं है ही नहीं। बोलते हैं, लिखते हैं, करते तो नहीं है ना। तो आपका पहला प्रश्न ये होना चाहिए जो भी जो बोल रहा है कि भी आप करते क्या हो, आपका अनुभव क्या है। ये तो पहली बार मैंने सीखा है ध्यान फाउंडेशन में आकर कि बोला, सुना, लॉजिकली डिराइव किया। मैं लेक्चर दे सकता हूँ 10,000 लोगों को पर मैंने किया नहीं है तो आप सुनते क्यों हो।
जिस मीडिया में जहां भी आप जाएं पहला प्रश्न पूछें कि भाई आपने ये किया है या सोचा है या लिखा है या पढ़ा है या बोला है, कानून है, प्रैक्टिकल है क्या, इम्प्लीमेंट किया है क्या। तो जैसे ही आप कर्म पर जाएंगे गाय आपको नजर आ जाएगी। आप तबरेज और अखलाक की न्यूज को इतना उछाल दिया, वो एक मुद्दा बन गया एलिगेशन का। लेकिन ये जो बांग्लादेश बॉर्डर पे जो हो रहा है वो आप में से कितने लोगों ने बताया? किसी ने नहीं बताया। लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, हर लॉ की नींव है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप जरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट देख लीजिएगा, जब उसका फॉर्मेशन हो रहा था 47 से 51 तक, कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हुआ 1951 पे, तो तब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसकी प्रति आप देख लीजिए, उसके अंदर किसके किसके चित्र अंकित किए हुए हैं आप वो देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के अंदर का इसके ऊपर जो बड़ी घमासान डिबेट हुई थी वो आज आपने बढ़ा के, आपने किसी ने भी पढ़ी हो तो बताओ, मुझे किसी ने नहीं पढ़ी। खैर, उसकी वजह से आर्टिकल 51A(g) के इसके अंदर काउ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन हैज बीन गिवन अ प्रोविजन फॉर दैट, और उसी के तहत हर स्टेट को डायरेक्शन है कि भाई आप एनिमल वेल्थ को बढ़ाइए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, और उसी आर्टिकल के वजह से हर स्टेट में कुछ ना कुछ प्रोविजंस बने हैं, लॉज बने हैं कि आप गाय को बचाइए। कॉन्स्टिट्यूशन खुद के अंदर इतनी इतनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, वैसे हर स्टेट के हर लॉ के अंदर अमेंडमेंट हुई है। थोड़ी देर पहले किसी ने बताया बीजेपी गवर्नमेंट लेके आया उसको अमेंड किया, लेकिन वो लॉ तो उसकी वजह से है, तो समय के नीड के अनुसार वो अमेंडमेंट जरूरी था, उसे किया हर स्टेट में, लेकिन उसकी इम्पॉसिबिलिटी के इशू आ रहे हैं। अभी थोड़ी कुछ देर पहले दिनों पहले न्यूज़पेपर में था कि भाई आपकी गिनती कम हुई है, लॉ के अंदर ये भी है आप रेप मत करो आपको पनिशमेंट होगी, आप मर्डर मत करो आपको पनिशमेंट होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये रुक क्यों नहीं रही है? इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। तो वैसे ही एनिमल रिलेटेड लॉज है, अब उसके अंदर आप एक जो मेन एजेंडा है कि भाई देश को कैसे ख़त्म करो, गायों को ख़त्म करो, तो एक पर्टिकुलर एजेंडा को प्रमोट करने के लिए अखलाक प्रमोट होता है, पहलू खान प्रमोट होता है, लेकिन सब ने जैसे बताया वैसे उसको कोई नहीं दिखा रहा, बांग्लादेश पे क्या हो रहा है वो नहीं दिखा रहा। एक कहीं पे है कि भाई वी वंडर इफ व्हाट वुड हैपन इफ द स्लॉटर हाउसेस वर मेड ऑफ ग्लास, क्या आप देख के आप खा सकते हैं? वो देखते हैं। किसी ने भी विजिट किया? अभी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल आता है, आप उस वक्त जाइए यहाँ पे देवनार के वहाँ पे, आप देखिए क्या कंडीशंस है वहाँ। और एक मेन पॉइंट ये है कि सिर्फ वही क्यों करना है आपको, इसी गाय की तस्करी, इसी गाय को क्यों मारना है? आपको खाना खाना है, खाना आप कुछ भी खा लो, और भी जानवर से उसको क्यों नहीं खा रहे हो? इसको बचाने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि ये कैटल वेल्थ है जिसको बचाना है, जिसको बढ़ाना है, उसके बजाय हम कम कर रहे हैं। आप एक दफ़ा एक बार यूँ बोल रहे हो कि भाई हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान के अंदर कैसे करोगे आप? जब आपके पास कैटल ही नहीं हो तो कृषि का क्या करोगे, कैसे करोगे? कि 3-4 साल पहले पंजाब की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी कि वहाँ पे फार्मिंग में केमिकल यूज कर करके कृषि का साइड इफेक्ट हुई है, उसकी वजह से जो खाने वाला है यूरिया वाला उसको कैंसर एक मामूली चीज हो गई, उसकी इतनी डिफॉर्मिटी हुई है, जो आने वाला बच्चा है जो पैदा हो रहा है वो भी डिफॉर्म पैदा हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या आपका समाज सुधर रहा है या खराब हो रहा है? और इसके सामने आप वो देखें जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती जो अपनी पुरानी पद्धति से चल रही थी वहाँ की क्या असर है? तो आप दवाई खाना पसंद करोगे या दवाई मिला हुआ खाना पसंद करोगे या शुद्ध करोगे? तो शुद्ध के लिए आपको शुद्ध चीज भी होनी जरूरी है, बिना ही दवाई के, बिना ही मिलावट के, वो कहाँ से लाओगे? आपको चाहिए सब अच्छा, लेकिन आप सब जाके पैकेज लेके आते हो, आपने कभी देखा है कि पैकेज बनता कैसे? तो घूम फिर की यही बात आती है कि भाई आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ हर जगह खराब है, लेकिन हर जगह ये सड़े हुए एप्पल्स भी है जिसको हमको निकालना है और इंश्योर करना है कि इसको आप प्रमोट करें, अच्छाई को प्रमोट करें।
अब मीडिया का रोल यही आता है कि भाई आपने अपना एक एजेंडा बढ़ा दिया, अखलाक आपको अच्छी टीआरपी दे रहा है, तो भाई इसको भी दिखाइए आप, कम से कम जितना अखलाक कर रहे हो उतना ही आप बांग्लादेश में जो हो रहा है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उनकी हो रही वो भी दिखाइए। अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के जो है जब बना था और गाय के ऊपर जो चर्चा हुई थी विस्तार में, उसका कुछ तो आप बताओ, लोगों को जागरूक करना। आपके पास मीडिया है, आपने बताया कि भाई आप यहाँ की बात वहाँ पे लेके जा सकते हैं, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो कानून बने वो क्यों बने और इसके बनने के पीछे क्या कारण था, आप उसमें क्या डिबेट हुई, किसने क्या कहा, उसका संक्षिप्त में भी कम से कम आप बताओ। और जिस फोकस के साथ आपने दूसरी रिपोर्ट्स कवरेज की है आप इसको भी कीजिए। ये छोटी सी